हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अयुबी जॉब्स अपडेट पर। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मिलते हैं आज फिर एक नई वैकेंसी के साथ। आज जो आपकी वैकेंसी निकल के आई वो SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL की तरफ से आपके रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई है। ये वैकेंसी आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट वैकेंसी रहने वाली है। आप इस वैकेंसी के लिए ऑल ऑफ इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी आपके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, एप्लीकेशन फीस इसमें आपके क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन इसमें आपके क्या होगी और इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा और आपकी वैकेंसी डिपार्टमेंट में आपकी पोस्ट नेम क्या। ये वैकेंसी आपकी वेरियस पोस्ट पर निकाली गई है और इसके साथ ही मैं आपको इसका सिलेबस भी बताऊंगी। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर जो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टोटल पोस्टों की बात की जाए, आपकी वैकेंसी कितने पदों पर निकाली गई तो लगभग आपके 15,000 पदों पर आपकी वैकेंसी निकाली जाएगी। पोस्ट नेम यानी किस पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी निकाली गई है, तो ये वैकेंसी आपकी वेरियस पोस्ट पर निकाली गई है। वेरियस का मतलब अलग अलग पोस्टों पर, अलग अलग डिपार्टमेंट पर आपकी वैकेंसी निकाली गई, जो आगे अभी आपको मैं वीडियो में बताऊंगी। ऑनलाइन डेट यानी आपके फॉर्म कब से भरना शुरू हो जाएंगे, तो 17 सितंबर 2022 से आपकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एग्जाम डेट जो आपका फर्स्ट एग्जाम है वो आपका दिसंबर 2022 में होगा। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो एप्लीकेशन फीस जो आपकी है वो जनरल OBC EWS के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 रुपये फीस यहाँ पर रखी गई है। SC ST एंड PH यानी दिव्यांग कैंडिडेट एंड ऑल कैटेगरी जैसे फीमेल वगैरह, इनके लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है, यानी इनके फॉर्म एकदम फ्री में भरे जाएंगे। एज लिमिटेशन की बात करें तो आपके जो एज काउंट की जाएगी वो आपकी 1 जनवरी 2022 से एज काउंट की जाएगी, जिसमें आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 27 से 32 ईयर्स, यानी पोस्ट के हिसाब से आपकी एज मैक्सिमम है। इसमें एज में हमें रिडक्शन भी देखने को मिलेगा, जैसे कि OBC कैंडिडेट को 3 ईयर्स का, SC और ST कैंडिडेट को 5 ईयर्स की एज में छूट मिलेगी। क्वालिफिकेशन इसमें आपके क्या होनी चाहिए, तो क्वालिफिकेशन अगर जो आपके पास बैचलर डिग्री यानी अगर जो आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके माध्यम से इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें आपका कैसे होगा, तो सिलेक्शन आपका होगा टायर 1 टायर 2 एंड टायर 3 जो आपका है वो हर पोस्ट में नहीं होगा, वो पोस्ट के हिसाब से आपका जो टायर 3 है वो आपका होगा। और इसके साथ आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के माध्यम से सिलेक्शन होगा। अप्लाई मोड जो आपका है ये ऑनलाइन रहने वाला है, यानी ये फॉर्म जो आपके हैं ये ऑनलाइन भरे जाएंगे और किसी माध्यम से। अब बात करते हैं आपके डिपार्टमेंट पोस्ट नेम एंड क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आपका जो CBDT डिपार्टमेंट है इसका पोस्ट नेम आपकी इसमें एक्सपेक्टेड है, क्वालिफिकेशन इसमें आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आपका AFHQ डिपार्टमेंट में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट रहने वाली है और इसमें आपकी क्वालिफिकेशन बैचलर होनी चाहिए। और इंडियन ऑडिटर एंड डिपार्टमेंट जो आपका है उसमें जो आपका पोस्ट नेम है वो है असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर की, इसमें भी आपकी क्वालिफिकेशन बैचलर होनी चाहिए। फिर आपका है CBI डिपार्टमेंट, इसमें जो आपके पोस्ट नेम है वो है सब इंस्पेक्टर, इसमें भी आपके क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए। फिर आपका है CBIC डिपार्टमेंट में आपके टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें भी आपकी क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अब बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। तो आपके सिलेबस में टोटल जो क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन पे आपके 200 मार्क्स रहने वाले हैं, यानी हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहने वाला। निगेटिव मार्केटिंग भी आपकी इसमें 0.5 है। अब बात करते हैं आपके सब्जेक्ट में, तो आपके GK एंड GS में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के अंदर ही पूछे जाएंगे। मैथ में आपके 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के अंदर ही पूछे जाएंगे। रीजनिंग में आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे और इंग्लिश में आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे। अब आप कहते हैं आपके जॉब लोकेशन के बारे में बात करते हैं, तो जॉब लोकेशन जो आपकी है ये ऑल ऑफ इंडिया रहने वाली है, यानी आप इंडिया के किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो आप इस वैकेंसी के लिए क्वालिफाइड हैं और इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म के लिए जरूर अप्लाई करिएगा। आपको इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा आने वाला कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि गवर्नमेंट के लेटेस्ट अपडेट हम आपको रेगुलर प्रोवाइड कराते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।